नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप ब्लॉगर के पोस्ट के यूआरएल में से डेट रिमूव कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप ब्लॉगर के पोस्ट के यूआरएल में से डेट को रिमूव करते हो तो आपके एसईओ के अंदर या तो रैंकिंग के अंदर किसी भी प्रकार का बेड इफेक्ट पड़ता है या नहीं, तो ये सबके बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के अंदर बहुत ही सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से ब्लॉगर के पोस्ट के यूआरएल में से डेट को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जितने भी जो वीडियो है इसके अंदर आपको ओनली ऑन इतना ही सिखाया जाता है कि किस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से जो आपके यूआरएल में से ईयर और मंथ को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज या तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होगा या नहीं, ये कुछ आपको नहीं बताया जाता। तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया, आज के वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा इन डिटेल आपको समझाऊँगा कि क्या ये पॉसिबल है कि आपके ब्लॉगर के जो पोस्ट है इसके यूआरएल में से टेक्निकली आप मंथ और ईयर को रिमूव कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद अगर आप रिमूव करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पॉसिबल है कि आपके ब्लॉगर के यूआरएल में से ईयर और मंथ को यानी कि डेट को रिमूव करना। तो इसके आंसर के अंदर मेरा आंसर नो रहेगा। अब देखिए, ये सिस्टम जनरेटेड यूआरएल है, ब्लॉगर के सिस्टम में से आपको मिलता है, तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप वर्डप्रेस की तरह आपके यूआरएल में से मंथ और ईयर को रिमूव कर सकें। लेकिन जावास्क्रिप्ट की एक स्क्रिप्ट आती है, इसकी मदद से एक आपको एक रिडायरेक्शन लूप सेट करना होता है। इसकी मदद से आसानी से आप अपने यूआरएल के अंदर से जो ईयर और मंथ को रिमूव कर सकता है, लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जस्ट आपको दिखेगा कि आपके यूआरएल में से जो ईयर और मंथ रिमूव हो गया, लेकिन बैकएंड के अंदर आपकी यूआरएल के अंदर जो ईयर और मंथ ऐसे ही रहेगा। तो ये इसकी सच्चाई है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप अपने ब्लॉगर के यूआरएल में से जो ईयर और मंथ को रिमूव करते हो तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान होगा या नहीं। तो नुकसान की बात करें, अगर आप एक ऑलरेडी सेट ब्लॉगर हैं, काफ़ी टाइम से ब्लॉगर का यूज़ करते हैं, आपके जो ब्लॉग के अंदर बहुत ही सारे आर्टिकल हैं और कुछ आर्टिकल गूगल के अंदर रैंक है और आपके ब्लॉग के अंदर अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, तो आपको कभी ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। आप जिस तरह से वर्क करते हो इस तरह से वर्क करते रहिए, भले आपके जो यूआरएल के अंदर ईयर और मंथ आता है इसमें आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और गूगल के जो एल्गोरिथम के मुताबिक देखें, अगर आप अपने यूआरएल के अंदर जो ईयर और मंथ ऐड करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका बिल्कुल नया ब्लॉग है, आपके ब्लॉग के अंदर दो तीन आर्टिकल है, तो आप ट्राई कर सकते हो ये आपके यूआरएल में से ईयर और मंथ को रिमूव करने के। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपने न्यू ब्लॉग के अंदर भी इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करें। जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने ब्लॉगर के यूआरएल में से ईयर और मंथ को रिमूव कर सकते हो। तो ये इसकी सच है। तो टेक्निकली मैंने आपको पहले भी बताया, इस तरह से टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट और जस्ट जावास्क्रिप्ट की एक लूप की मदद से आपको ऐसा लगेगा कि आपके यूआरएल में से दो ईयर और मंथ रिमूव हो चुका है, लेकिन ये रिमूव नहीं होता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको ये मंथ और ईयर को आपके यूआरएल में से रिमूव करना है। तो सिंपल, मेरे पास एक ब्लॉग ओपन है, इसके अंदर एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल आपके सामने ओपन है जिसके अंदर डेट आता है यूआरएल के अंदर, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक आर्टिकल का लिंक मिलेगा, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड आपको मिल जाएगा। तो ये वो आर्टिकल है जिसके अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर हिंदी में समझाया है कि किस तरह से आप ब्लॉगर के यूआरएल में से डेट को रिमूव कर सकते हैं, और इसके अंदर ही मैंने आपको जावास्क्रिप्ट का कोड दिया है। ये कोड का आपको यूज़ करना है। सिंपल, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये कोड को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है आपके ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है थीम के ऊपर। थीम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा तीन डॉट के आइकन, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके आपको क्लिक करना है एडिट HTML। एडिट HTML के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल आपके कीबोर्ड में से कंट्रोल ए प्रेस करना है और यहाँ पर आपको फाइंड करना है
आपका हेड कहाँ पर एंड होता है। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, तो आपको आपका हेड जहाँ पर एंड होता है वो मिल जाएगा। इसके बाद बिल्कुल आपको हेड के ऊपर तो जावास्क्रिप्ट का कोड आपने कॉपी किया है रिसेंटली यहाँ से, वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको इस फाइल को एक बार सेव करना है, तो आपकी फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। इसके बाद सिंपल आप अपने ब्लॉगर को एक बार रिफ्रेश कीजिए डैशबोर्ड को, और इसके बाद आपको आपके जो फ्रंट एंड के अंदर आपके ब्लॉग को एक बार रिफ्रेश करना है। इसके बाद सिंपल आप अपने सिंगल पोस्ट को एक बार विजिट करके देख लीजिए, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका जो URL है इसके अंदर से जो ईयर और मंथ यानी कि डेट सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरह से आप रिमूव कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉग को रिफ्रेश करके। तो देखिए मैंने ब्लॉग को रिफ्रेश किया, यहाँ पर जैसे मैंने तो टाइटल के ऊपर माउस का कर्सर रखा तो आपको नीचे दिखाई देगा कि अभी अगर मैं जो ये तो नीचे आपको दिखाई देगा कि जो इसका ओरिजिनल URL है इसके अंदर आपको डेट यानी कि ईयर और मंथ दिखाई देगा। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ किया, इसकी मदद से क्या होता है कि एक जो आपके कोड के अंदर एक रिडायरेक्शन लूप सेट होता है, इसकी मदद से आपके URL में से जो ईयर और मंथ रिमूव होता है, जो टेक्निकली ये रिमूव नहीं होता है। अब देखिए मैं इस पोस्ट को न्यू विंडो में ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा और आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ईयर और मंथ नहीं आ रहा है, लेकिन ओरिजिनली पोस्ट के अंदर जो आपका ईयर और मंथ अवेलेबल है। तो ये जो पूरा मामला है, और इस तरह से आप ब्लॉगर के पोस्ट के URL में से डेट रिमूव कर सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों आपको सबके बारे में पता चल गया होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये सब कुछ वर्क करता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ और साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।